हेलो दोस्तों, मैं नदीम रजा J2Mark टीम से। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप कर लें। और आपके लिए मैं लेकर आया हूँ आज D12T+ जो आयरन सेट है। चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसके साथ क्या क्या मिलती है और ये क्या क्वालिटी की है और कैसे चलती है। फ्रेंड्स, अगर आप नए हो हमारे चैनल में, आप अगर वीडियो देख रहे हो हमारा, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। और फ्रेंड्स, जैसा देख रहे हो आप, ये हमारा कैटलॉग वर्सेस टीम की T12T, ये वेल पैकिंग है। ये दो बॉक्सेस इसके अंदर में है। चलिए पहले इसको ओपन कर लेते हैं, इसमें क्या है देखते हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये आपका BLS मॉडल नंबर है। इसमें T12 की आयरन की ये स्टिक्स है जो कि इनबिल्ट, इसमें जो है आयरन की कंप्लीट बीट्स हैं एलिमेंट के साथ। और फ्रेंड्स, ये देख पा रहे हैं आप, ये न्यू मॉडल पेन है इसकी, जिसमें ये फिट हो जाएगी। ये न्यू मॉडल्स की पेन है। चलिए पहले इसको ओपन निकाल लेते हैं सारे। और ये देख पा रहे हैं आप, जैसे कि ये नेगेटिव से स्टैटिक्स जैसे मैट्स होते हैं उसमें यूज़ करने के लिए आते हैं, तो ये भी इसके साथ है। और ये फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो OSS टीम की तरफ से T12T+ जो कि लेटेस्ट मॉडल है। इसमें LED भी है, स्क्रीन भी आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन भी लगी हुई है और काफ़ी न्यू मॉडल है ये। पहले T12 आती थी, ये T12D+ है, इसमें एडवांस फंक्शंस है। ये हो गया। इसको साइड कर देते हैं। अब इसमें और एक बॉक्स है, देख पा रहे हैं आप, चलिए इसको ओपन करते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या है। फ्रेंड्स, ये पावर कॉर्ड है इसके साथ और ये आयरन की स्टैंड है। फ्रेंड्स, आपने देखा ये कंप्लीट, ये इसके साथ पैकेज है। ये स्पंज है, इसमें आपको थोड़ा वाटर डालना पड़ेगा, तो ये वाटर डाल देंगे तो इससे भी आप क्लीन कर सकते हैं आयरन की बीट को। और इसके साथ में एक छोटी सी मैट भी दी हुई है, आप देख पा रहे हैं। अगर कुछ छोटा मैट्स पे रख कर कुछ पार्ट्स को अगर सोल्डर करना हो या कुछ करना हो तो चिमटे से रख करके आप इस पर भी कर सकते हैं। तो ये इसके साथ ये मैट्स भी आते हैं, पावर कॉर्ड आ गया। चलिए इसको असेंबल कर लेते हैं हम। और ये कितनी वाट की है, ये कैसे चलती है, मैं सब आपको बताता हूँ, आप बने रहे हमारे वीडियो में। फ्रेंड्स, ये बीट हो गया है इसका एलिमेंट के साथ। इसके अंदर एलिमेंट जो है ना इनबिल्ट होते हैं, कंप्लीट होता है इसके अंदर में, जस्ट आपको इसके अंदर पिन करना पड़ता है। ये देख पा रहे हैं आप, ये मैंने आयरन को, आयरन के अंदर जो पेन है इसमें मैंने पिन कर दिया। ये पिन हो गया है आयरन, ये कंप्लीट, देखिए ये जाम हो गया। इसको डालना है, आप इजीली इसको निकाल भी सकते हैं, बस इसको ऐसे पुल करेंगे ये निकल जाएगा। इस आयरन की खास बात क्या होती है कि ये तो फास्ट हीटिंग सिस्टम्स है आयरन, और प्लस कभी भी आप एलिमेंट अगर चेंज करना चाहें तो कम्प्लीटली चेंज होता है, क्योंकि इसमें एलिमेंट के साथ ही ये बीट लगी हुई है। तो इजी फास्टिंग मेथड है इनकी, जो T12 इसे कहा जाता है। चलिए इसको असेंबल कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें 5 होल है और यहाँ पर कटी हुई है, तो आप ध्यान से इसको लगाएं। यहाँ पर भी देखें मार्क किया हुआ है और इसको ध्यान से लगाएं, इसको यहाँ पुश कर दें। पुश करने के बाद इसको आप इसको फिट कर लें कम्प्लीट। इसकी ये टाइट हो गया, ये पुला हो गया, काफ़ी सॉफ्ट भी है आपका, इजी टू मतलब मूव करना। जैसे आप अपने काम करते हैं आयरन्स को, तो इसकी ग्रिपिंग आप देख पा रहे हो यहाँ पे रबर्स, और ये न्यू डिज़ाइन की पेन है। ये कंप्लीट आप देख पा रहे हैं, ये पूरा फिटिंग इसकी, काफ़ी लाइट वेट है ये आयरन की। और ये जो है आप स्टैटिक मैट्स वगैरह यूज़ करते हो या फिर नेगेटिव अर्थिंग के लिए यूज़ करना हो तो आप इसको यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, इस जगह पर बैक साइड में, या बैक साइड में कनेक्ट करके, जैसे सपोज़ करो कोई आप यूज़ कर रहे हो बैंड वगैरह या फिर कुछ और, तो फिर इसको आप क्लिपिंग यहाँ से कर सकते हो। इसको मैं निकाल देता हूँ, ये हो गया आपका, ये आयरन का स्टैंड, ये पावर कॉर्ड। चलिए इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या है। ये बैक साइड में आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे लगाना है इसको, ये लग गया। और ये पावर स्विच है, यहाँ पे फ्यूज़ भी दी हुई है, इसको ऑन कर लेते हैं।
चलिए मैं ऐसे रखता हूँ सामने की तरफ ताकि इजली जो है आप देख पा रहे फ्रेंड्स। जैसे कि ये हीटिंग जो है इसमें ये 150 से हीटिंग स्टार्ट होती है, 150 to 450 तक आप इसको यूज़ कर पाते हो। 450 यहाँ से जैसे मैं रेगुलेट कर पा रहा हूँ, जैसे मुझे 350 लेके जाना है तो 350 में ही मुझे रखना है। ये देखिए 350, ये पूरे फुल फास्ट हीटिंग सिस्टम है। मैं देख पा रहा हूँ कि ये काफ़ी हीट हो गया है, मैं टच नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे मैं टच करके मैं देख रहा हूँ। चलिए इसमें थोड़ा वाटर डालते हैं, उसके बाद आपको मैं थोड़ा दिखाता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको इसकी स्मोक वगैरह आप चेक कर पाओ। इसमें थोड़ा मैं वाटर डालता हूँ हल्का सा। चलिए इसको वाटर मैंने डाल दिया और देख पा रहे फ्रेंड्स ये 350 में मैंने सेट किया था स्मार्टली। तुरंत एक सेकंड, अब देख पा रहे हो उसको आप साउंड सुन पा रहे हो, देखो स्मोक भी आप देख पा रहे होंगे। तो देख पा रहे मैंने इसमें वाटर डाला था, ये 350 में हीटिंग में है। और फ्रेंड्स मैं चलो इसको मैं पूरा लो कर देता हूँ, 150 कर देता हूँ, फिर देखता हूँ कि 150 वो कितने देर तक ये चल रहा है आपका। देख पा रहे फ्रेंड्स ये हीटिंग इसकी कम हो गई है, ये कम हो रही है यहाँ से, क्योंकि मैंने 150 मैंने सेलेक्ट किया है इसको, तो 150 डिग्री टेम्परेचर्स में अभी है ये। फ्रेंड्स जैसा कि देखा आपने ये 150 डिग्री टू 450 डिग्री मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपका जो टेम्परेचर्स है काम करने का वो 350 में अगर आप रखते हो इसको, आप देखो यहाँ से मैं 350 रखता हूँ, 350, तो आपका ये आयरन का जो हीटिंग्स है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हीटिंग है। और उसके बाद भी आपको अलावा आपको और भी बढ़ाना हो तो आप यहाँ से बढ़ा करके यूज़ कर सकते हो आप। ये रेगुलेटर सिस्टम है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे वाटर में रखा है, ये देख पा रहे हैं काफ़ी फास्ट हीटिंग सिस्टम है। अगर इसको मैं ऑफ़ करता हूँ तो ईज़िली ये जो है आसानी से ठंड भी हो जाता है, और अगर ऑन करते हैं आप तो फास्टली ये हीट होता है, फास्टली। जैसे दूसरे आयरन में क्या होता है कि आपको टाइम लगता है, वेट करना पड़ता है, इसमें फास्ट हीट होता है। और इसकी जो वोल्टेज है मैं बता दूं आपको, ये 72 वाट्स की है आयरन, जैसे कि आपने यहाँ पे भी देखा होगा ये लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे 110 वोल्ट 230 वोल्ट एसी और 72 वाट, 150 डिग्री टू 450 डिग्री तक अब इसको हीट कर सकते हो, यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई है, देख पा रहे फ्रेंड आप। ये न्यू मॉडल्स T12D+ सोल्डरिंग स्टेशन, जो कि इसकी जो बीट है कंप्लीट एलिमेंट के साथ होती है, जो कि यहाँ से आप डायरेक्टली रिमूव कर सकते हो और चेंज कर सकते हो। इसके अलग अलग मॉडल की एक्स्ट्रा मॉडल भी आती है बीट्स की, जो कि हमारे वेबसाइट पे आप देख सकते हो। अगर आपको इंक्वायरीज हो तो हमें आप कॉन्टैक्ट करें और हमारे वेबसाइट से डायरेक्टली चेकआउट करें, और कुछ भी जानकारी हो पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं। और फ्रेंड्स हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर लें आप टेलीग्राम का, वहाँ पे जो भी ऑर्डर हम डिस्पैच करते हैं या फिर इंक्वायरीज होती है आप इजीली तरीके से हमारे ग्रुप में ज्वाइन करके आप वहाँ पे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो आप। और दोस्तों उम्मीद है ये पसंद आई होगी आपको, ये लेटेस्ट मॉडल्स T12D+। अगर इंक्वायरीज हो तो प्लीज़ आप हमारे चेकआउट करें हमारे वेबसाइट पर, और एप्लीकेशन भी एंड्रॉयड की डाउनलोड कर लें आप। थैंक यू सो मच। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ आप कर लें। प्राइस के लिए जो भी हो हमारे वेबसाइट पे देख लें, क्योंकि वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं होता, वीडियो कभी कभी क्या होता है पुराना हो जाता है तो फिर प्राइसिंग वगैरह काफ़ी चेंजेस आते हैं, तो डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे देखें आप, जो भी करंट प्राइसिंग है हमारा वहाँ पर आपको दिख जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।